वेलकम बैक टू द ब्रांड न्यू वीडियो ऑफ एस जे ब्लॉग्स इंडिया राइट के आज के इस एपिसोड में अभी हम हैं नॉर्थ बंगाल में। नॉर्थ बंगाल का एक खूबसूरत सा शहर कर्शियांग। जैसा कि लास्ट वीडियो में आपने देखा था कि मधुर भाई, बाइकर वर्धन, भागलपुरी ब्लॉग्स, ये सारे लोग चले गए हैं अब इंडिया राइट पे। अभी फिलहाल मैं सोलो हूँ। मधुर भाई, हमारी और आपकी जर्नी यहीं तक थी। कैसा लगा आपको? बहुत बढ़िया है और हमेशा मजा आता है, तो फिर से मिलेंगे ऐसे ही। मधुर भाई ऑल सेट है। कहाँ जाओगे आज? आज हम निकलेंगे यहाँ से बिहार। बिहार में भी हो सकता है कि गोपालगंज तक। चलो ऑल द बेस्ट भाई, ऑल द बेस्ट, अच्छे से जाना। और आपको भी और इंडिया राइड के लिए ऑल द बेस्ट। मे भी हो सकता है कि और इंडिया राइड पे कहीं किसी एक पैच को फिर से ज्वाइन करें। चलो ओके भाई। मैंने सोचा सिलीगुड़ी स्टे करने से अच्छा है सिलीगुड़ी से थोड़ा आगे आ जाते हैं कर्शियांग। और वैसे तो नॉर्थ बंगाल में घूमने के लिए बहुत सारी जगह हैं, और जहाँ तक मुझे पता है जो जगह नॉर्थ बंगाल में आती है उसमें से सबसे पहला नाम मेरे लिए सिलीगुड़ी है, अलीपुरद्वार है, मायनागुड़ी है, कर्शियांग है, कालिम्पोंग है, और भी बहुत सारे आई सपोज आते होंगे। लेकिन अभी कुछ दिन मैं नॉर्थ बंगाल में एक्सप्लोर करने वाला हूँ। सबसे पहले हम जा रहे हैं कर्शियांग। वैसे कर्शियांग सिलीगुड़ी से ज़्यादा दूर नहीं है, अगर आप आराम से भी जाओगे तो करीब करीब 2 घंटे लगेंगे। करीब कुछ ऐसे 40-45 किलोमीटर है, पर मैंने कभी कर्शियांग देखा नहीं है, मैंने सुना है बस, तो ये मेरा फर्स्ट टाइम होने वाला है। और इस राइड पे मैं ऐसी जगह एक्सप्लोर भी कर रहा हूँ जो मैंने कभी नहीं की है, तो आई एम ऑल्सो एक्साइटेड अबाउट इट, अबाउट द प्लेस। तो यहाँ से ये रास्ता आ जाता है दार्जिलिंग का। हमारे जस्ट बगल बगल में चाय के खेत हैं और ऊपर पहाड़ दिख रहे हैं। अब मुझे याद आ रहा है कि इधर मैं आया था जब हम सिक्किम से दार्जिलिंग गए थे और दार्जिलिंग से जब वापस मुजफ्फरपुर की तरफ बढ़ रहे थे तो शायद यही रास्ता था। अभी अगर वैसे ही अचानक से चढ़ाई वाला जो पैच है वो आता है तो मैं श्योर हो जाऊंगा कि यही रास्ता था। ये रास्ता मैंने कर रखा है, अभी मुझे याद आया। मैं, विशेष और विष्णु भाई, हम तीनों आए थे लास्ट टाइम। इस रास्ते से उतरा था मैं, तो उतरने में तो पता नहीं चलता, लेकिन भाई ये चढ़ाई ना बहुत स्टीप है यार, बहुत गजब स्टीप और बहुत पतला रोड है। और ये हम चढ़ गए। दार्जिलिंग का मेरे ख्याल से 2 रास्ते हैं और दोनों ऐसा ही है, एकदम तो ताबड़तोड़ चढ़ाई वाली। तो ये है हमारे सामने कर्शियांग। इस रास्ते से मैं आया था नहीं आया था मुझे समझ नहीं आ रहा भाई। इस रास्ते से वॉल्दो मैं आया था, दार्जिलिंग से उतरा था, ये वाला पार्ट कैसे मिस हो गया पता नहीं। हो सकता है कर्शियांग के लिए रास्ता अलग जाता हो। जो भी है भाई, सामने है अपना कर्शियांग और अलग ही मौसम हो रहा है आज, कतई फॉग वाला, और ठंड थोड़ी थोड़ी बढ़ गई है। अभी 2-3 दिनों से मुझे ठंड नॉर्मल सी लग रही थी, मतलब ठंड नहीं ही थी। अब वापस से हम आ गए हैं पहाड़ों में। चढ़ाई कतई स्टीप है भाई, बहुत स्टीप है चढ़ाई। सरस्वती माँ का कितना पैसा देना होगा? जितने भी देगा आपका मर्जी। भाई ऐसे तो बहुत पैसा हो जाएगा आपके पास। नहीं, सरस्वती माँ पे ही लगाओगे ना, किसी और पे तो नहीं लगाओगे? नहीं। पर्ची तो दे दो यार, पर्ची तो मेरा हुआ। आपका चैनल सब्सक्राइब कर देंगे हम लोग। हाँ, 50 रुपए में एक सब्सक्राइबर। ये एच डी ब्लॉग्स चलो। ओके
बाय बाय। ये था सरस्वती पूजा का चंदा। यार मुझे नहीं पता कि ये लोग सरस्वती पूजा में यूज़ करेंगे कि नहीं, लेकिन मुझे याद है बचपन में हम भी ऐसे ही जाया करते थे और आई एम डैम श्योर कि आप भी ऐसे जाया करते होंगे। लेकिन ये सरस्वती पूजा में तो काफ़ी टाइम है, अभी से चंदा इकट्ठा कर रहे हैं, ये तो पूरा का पूरा बिल्डिंग बना देंगे, सरस्वती बिल्डिंग। चलो जो भी है, सरस्वती माँ हमें बुद्धि दे, लक्ष्मी माँ हमें धन दे। बंद करने ही वाला था कि सामने घर्षोंग दिख गया, ये पूरी वैली। ओह, पहाड़ों में मेरा बसेरा है। यहाँ से दो रास्ते कट जाते हैं। अच्छी चीज़ है कि इन्होंने इस तरह से बाउंड्री बना रखा है। यहाँ देखो, ये है घर्षोंग गोरखालैंड टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेशन, और इसी से अगर हम ऊपर चले जाएंगे तो क्या आएगा, दार्जिलिंग तो आगे है। यहाँ से दार्जिलिंग है 33 किलोमीटर, घर्षोंग 1 किलोमीटर, और टुंग सोनाडा जोरे बंगलो घूम ये सब भी रास्ते हैं इधर से ही। मुझे लगा था ऊपर से शायद दार्जिलिंग जाना होगा, पर नहीं मेरे दोस्त, मतलब 33 किलोमीटर आगे जाके ऐसा हो सकता है कि स्नोफॉल मिल जाए भाई। वेलकम टू घर्षोंग। ये घर्षोंग का मार्केट है, और इधर पहाड़ों में जनरली एक चीज़ होता है, वन वे बहुत सारे होते हैं, तो ये वन वे है, इस पर सिर्फ अपन जा सकते आ नहीं सकते। कुछ लोग ना ऐसे डाउन हिल में क्या करते हैं अब गाड़ी को न्यूट्रल पे रख देते, इंजन बंद कर देते, तो उनके लिए कोटेशन लिखा हुआ था, कृपया वाहन का इंजन और अपना दिमाग बंद ना करें। पेट्रोल, लोगों को लगता है ना पेट्रोल बचेगा, वैसे ये बहुत गलत चीज़ है। अगर आप ये करते हो तो देखो क्या होता है कि एक नंबर पे अगर गाड़ी आपकी चल रही है तो एक नंबर के हिसाब से उतनी ही स्पीड तक जाएगी, चाहे कितना ही डाउन स्लोप हो, इंजन ब्रेकिंग काम करेगा। उसी तरीके से अगर आपने दो नंबर पे लगाया है तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम 40 के स्पीड पे जाएगी, डिपेंडिंग ऑन कौन सी बाइक है आपकी। लेकिन अगर आपने न्यूट्रल कर दिया, इसका मतलब गाड़ी किसी भी इंजन ब्रेकिंग से फ्री हो चुकी है, तो वो 100 के स्पीड पर भी जा सकती है, रोकना बहुत मुश्किल हो जाएगा, गिर सकते हो। तो छोटी सी इन्फॉर्मेशन है जो एक्सपीरियंस के साथ पता चलती है भाई। तो हमने भी ये करके रखा है, अपना दिमाग और इंजन दोनों बंद किया हुआ था एक ज़माने में, तो आप ऐसा ना करें। घर्षोंग से वापस अब हम आ चुके हैं मेन NH 110 पर, जो सीधा कनेक्ट करेगा दार्जिलिंग को। दार्जिलिंग यहाँ से 20 किलोमीटर है, कुछ ही देर में मेरे ख्याल से दार्जिलिंग दिखने लगेगा। ये रास्ता कंपेरेटिवली थोड़ा चौड़ा है, जिससे मतलब हम अभी जा रहे हैं, इससे पहले जो जिस रोड पे थे हम वो बहुत ही पतला था। एक ज़माने में यहाँ पे ट्रेन चला करती थी, अभी पता नहीं ट्रेन चलती है कि नहीं, शायद नहीं चलती है, अब रोड वे ही ज़्यादा यूज़ होता है। ओ भाई कितना सामान रखा था उसने। ये है टॉय ट्रेन का स्टेशन, हिमालयन ट्रेन का हिमालयन स्टेशन, दार्जिलिंग लगभग आने वाला है। दार्जिलिंग से ही रास्ता कटता है मिरिक का, मिरिक है 35 किलोमीटर फ्रॉम दार्जिलिंग। दार्जिलिंग तो हमारा घूमा हुआ, ऐसा मन हो रहा है कि मिरिक जाके देखे क्या मिरिक कैसा है। उससे पहले दार्जिलिंग आए और कुछ नहीं देखा। अगर हम मिरिक जाते हैं तो मिरिक से वापस या तो हमें नीचे को सिलीगुड़ी की तरफ जाना होगा वापस, या फिर वापस यहाँ आना होगा घर्षोंग की तरफ, क्योंकि अगला जो हमारा प्लान है वो है कालिम्पोंग का। कालिम्पोंग भी नॉर्थ बंगाल का एक शहर है, तो मिरिक मुझे लगता है छोड़ना पड़ेगा। हम लगभग पहुंच गए दार्जिलिंग, और ये है पूरा टॉय ट्रेन का स्टेशन। लोग बैठे तो हैं। दार्जिलिंग में एक ही दिक्कत है, बाइक पार्किंग की। देखो कैसे लोगों ने इस तरीके से लगा रखा है, हर जगह हर होटल में आपको बाइक पार्किंग नहीं मिलता। लास्ट टाइम हम जहाँ रुके थे, मैं कोशिश कर रहा हूँ वही मिल जाए अगर, क्योंकि उसके पास बाइक पार्किंग थी। तो हम यहाँ पे पहुँच गए हैं दार्जिलिंग, और यहाँ पे होटल अलाइस विला में हमें स्टे मिल गया। यहाँ बाइक पार्क कर दिए, और यहाँ जैसे आए, स्नोफॉल तो नहीं हो रहा, हेल स्टॉर्म हो रहा है, ओले गिर रहे हैं। आवाज़ अगर आपको आए, देखो यहाँ पे भैया स्नोफॉल होगा क्या? होगा आज? आज तो पता नहीं, आज नहीं, नहीं।
देखो किस्मत अपनी अच्छी रही तो हो जाएगा, देखते हैं। मौसम ड्रास्टिकली चेंज हुआ, अभी जब हम आए थे तो पूरा पूरा ऐसे धूप निकला हुआ था, अभी देख रहे हैं कि कम्प्लीटली ऐसा फॉगी हो गया। और ये देखो बाल में फंस रहे हैं यार बाल में फंस रहे हैं, ये देखो गायब भी हो जाते हैं। इसमें तो निकल सकते हैं, इसमें गीले नहीं होते ना, यहाँ से मॉल रोड पास है ना, दो मिनट सीधा रास्ते से जाएंगे भैया का, दो मिनट हमारा पाँच मिनट दो मिनट आपके लिए दो मिनट अच्छा अच्छा मॉल रोड नहीं है, मॉल मार्केट है, पता नहीं। तो हम आ गए हैं मॉल रोड पे, और पिछले बार यहाँ पे आए थे हम जब बहुत ज़्यादा ही ऐसे अंधेरा था, कोविड का टाइम उस टाइम भी था, कोविड का टाइम इस टाइम भी है, पर अभी थोड़ा हलचल ज़्यादा है, दुकानें थोड़ा ज़्यादा ही खुली है, मौसम भाई गजब है। मौसम गजब ही ड्रास्टिकली चेंज हो गया है, यही अभी हम बाइक से आ रहे होते और अचानक से ऐसा मौसम हो जाता तो हमारी बैंड बजनी थी भाई, लेकिन हम यहाँ आ गए, हमने स्टे ले लिया, बढ़िया मॉल रोड की तरफ निकले, तब ऐसा हुआ, थैंक गॉड। तो यार हुआ ऐसा कि हेलस्टॉर्म बहुत ज़्यादा ही हो गया था, तो हमने क्या किया, हम यहाँ सीधा आ गए अपने होटल और वीडियो एडिट वगैरह करने लगे, और एज यूजुअल फिर कहीं गए नहीं घूमने के लिए। आज मतलब नेक्स्ट वीडियो में आप देखोगे कि हम दार्जिलिंग थोड़ा बहुत एक्सप्लोर करके चले जाएंगे, नॉर्थ बंगाल का एक और शहर। वैसे दार्जिलिंग सच बताऊँ तो मेरी आइटनरी में था नहीं, मेरा था कि मैं सीधा कर्शियोंग से कालिम्पोंग जाऊँगा, दार्जिलिंग थोड़ा मुझे ओवरहाइप लगता है और बहुत ज़्यादा क्राउडेड भी लगता है, तो इसी वजह से मैं थोड़ा अवॉइड ही करना चाहता था, लेकिन जैसे सरचू को अवॉइड नहीं कर सकते वैसे दार्जिलिंग अवॉइड नहीं हो सकता। खैर आज के इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी, और अगर आई है मेक श्योर आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर सकते हैं, फेसबुक पेज पर पहली बार देखा है फेसबुक पेज को फॉलो कर सकते हैं। तो मिलते हैं गाइज नए वीडियो पे नए राइडिंग डेस्टिनेशन के साथ, तब तक के लिए।